संत कबीर नगर में सांसद और विधायक के बीच जूतेबाजी से बीजेपी नेतृत्व की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दोनों जनप्रतिनिधियों के जनता के सामने ही गाली गलौज और अभद्रता से पार्टी को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जूतम पैजार मामले में बीजेपी ने अपने सांसद और विधायक को तलब किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने दोनों नेताओं को लखनऊ बुलाया, सख्त कार्रवाई मुमकिन। संत कबीर नगर में कल एक बैठक के दौरान बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक को जूते से पीटा। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा का तंज, ये बीजेपी की इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है। बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी एक सड़क के शिलान्यास वाले पत्थर पर अपना नाम न होने से भड़के थे। सांसद शरद त्रिपाठी और विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच विवाद बढ़ने के बाद जूते चले। समाजवादी पार्टी ने इस घटना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के सांसद और विधायक के बीच जूतों का आदान प्रदान हुआ। वहीं बीएसपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने तंज किया कि ये बीजेपी की इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है। एक सम्मानित व्यक्ति एक दूसरे सम्मानित व्यक्ति पे जूते से स्वागत कर रहा हो, उसका आदर सम्मान जूते से हो रहा हो, ये शुरुआत हो गई है। ये अभी तो जनता में बातें जा रही हैं। इससे पहले भी सीतापुर में हुआ था जिसमें विधायक सांसदों में झगड़ा। ये सम्मान का झगड़ा नहीं है। आपको मैं जानकारी दे दूं, जो सूचना हमें मिल रही है, ये पैसे का झगड़ा है और पैसे के झगड़े की वजह से एक का जूता दूसरे के सर पे पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो लात जूता चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और राष्ट्र निर्माण का भी पता चलता है। ये किस प्रकार से अगर दोबारा सत्ता में आए तो देश की सेवा इसी प्रकार से देश की जनता की करेंगे। इसलिए देश की जनता इनसे सावधान रहे, सचेत रहे और इनको बाहर का दरवाजा दिखाए। अशोभनीय अमर्यादित घटना का मैंने कड़ाई से संज्ञान लिया है। दोनों को लखनऊ बुला रहा हूं और पार्टी अनुशासन की परिधि में कड़ी कार्रवाई होगी।